तो ये जो धिया हमारे पूर्वांचल की बेटियों को धिया कहा जाता है, और अभी भी मेरी आवाज़ इतनी भरी हुई है। पहली बार मैंने अपने जीवन में ऐसी एक मूवी देखी है जिससे लग रहा है कि मैं सच में कुछ ऐसा देख रही हूँ जिसको देख करके आंखों में आंसू आ जाए। और नो डाउट पाखी जी वैसे भी बहुत बड़े स्टार हैं, और उन्होंने आज तक, उनके सामने मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक्टर को खड़ा किया जाए और उसको वो खा नहीं जाए। मगर इसमें देखा जाए, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए तरस रही है, अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए तरस रही है, और आज के जनरेशन में जो लड़कियों को सारा सम्मान देते हुए भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उस सम्मान को पाने के लिए, एक माँ अपने बच्चे को पाने के लिए कैसे उसमें फ़ाइट की है, कैसे वो रो रो करके सोई है, ये बहुत ही अलग फिल्म है। और जिस हिसाब से पाखी जी ने इसमें एक्ट किया है, पाखी जी को ना ऑस्कर अवार्ड हम लोगों को तरफ से अपनी अपनी देना चाहिए, और उनको हर किसी से ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। और जहाँ तक बात है, अभी गणेश जी हमारे साथ हैं, गणेश जी टीम कंपनी के मालिक हैं, टीएफ कंपनी के, और हम लोगों ने अभी सब, हमने, अमित जी ने, सब लोगों ने मिल करके कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स करने की तैयारी की है। और हमारा एक ध्यान रहेगा कि साफ़ सुथरी चीज़ें की जाए, क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ें, जैसे ये भी मूवी है, इसको देख के जो इमोशन आ रहा है ना, वो हमें आज के भोजपुरी मूवी से नहीं आ पा रहा है। तो प्लीज़ मैं सारे भोजपुरी के लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी मूवी बनाई जाए जो घर के पारिवारिक माँ बहन बाप एक साथ बैठ करके देख सकें। आज के डेट में सबसे बड़ा दुख और विडम्बना यही है कि हम अपनी लेडीज़ को, कभी हमने भोजपुरी के थिएटर में लेडीज़ को नहीं देखा है और बेटियों को नहीं देखा। एक लाइन मुझे बड़ी प्यारी सी याद आ रही है जो मूवी के एंड में है। बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है धिया, और धिया का मतलब होता है कि बेटी, जो हमारे भोजपुरी में शुद्ध बोला जाता है कि धिया। और वाकई ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है, और इसके डायरेक्टर दीप मथारू जी और जीत मथारू जी, और को प्रोड्यूसर नसीफा जी, बहुत अच्छे कंसेप्ट इन्होंने लिया है और बहुत अच्छी काम किया है। और इसमें, इस फिल्म में जो काम पाखी जी ने किया है, वाकई उन्होंने अपने अभिनय को बहुत ही काबिल तारीफ है जो इन्होंने काम किया है। बस हैट्स ऑफ यार, बोल नहीं सकता मैं। और बेटी बचाओ बेटी अभियान पे ये पिक्चर है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। बस टीएफ कंपनी के लिए क्या कहना चाहेंगे? टीएफ कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है, और नए सिंगरों को अच्छा चांस दे रहा है, और अच्छी प्लेटफॉर्म है, और बोलबम अच्छा है, देवी गीत आ रहा है, और सारे लोग सिंगर, रितेश पांडे से लेके बड़े बड़े सिंगर्स, दिनेश जी भी आ रहे हैं, अभी आज ही बात हुई, सारे सिंगर आ रहे हैं। और अभी मैं शॉकिंग है, अभी मैं धिया के माइंड में हूँ, अभी कुछ बोल नहीं सकता। थैंक यू। जो फिल्म देखा धिया, एक बहुत अच्छी फिल्म है, और जो जीत माथुर दास जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किरदार भी किया, जीत माथुर जी ने बहुत अच्छा काम भी किया है। और ये फिल्म जो है, जो भी बेटी बचाओ अभियान है मोदी जी का, उसके लिए अभी हम लोग सोचेंगे, और हमारे निशा जी हैं, अभी हम कोशिश ये करेंगे कि इनसे भी बोल के, यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश जी से बोल के, बेटी बचाओ अभियान में जो है, इसको अवसर के लिए किया जाए।